हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है? बेसिकली जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं अपनी पोजीशन जब चेंज करूँगा तो मेरी जो सराउंडिंग है अगर वो चेंज हो गई तो इसका मतलब है मैं मोशन कर रहा हूँ या मैंने मोशन कर लिया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। कोई भी जब ऑब्जेक्ट होगा वो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में जब आएगा उसकी जो रिस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वेटर होगा उसके मुताबिक अगर उसने अपनी पोजिशन को चेंज किया है तो उसको हम कहेंगे मोशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। पोजिशन जो एक बॉडी की पोजिशन है उसके बारे में जानना है। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाई इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। बोलता है जो किसी भी चीज़ की पोजीशन होगी वो हम कब डिफाइन करेंगे? वो हम तब डिफाइन करेंगे वो अपने जो उसका ऑब्जर्वर है वो वहां से कहाँ पर है, तो वो होगा पोजीशन। उसकी पोजीशन जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी। जो पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट का क्या डिफाइन करेगा? उसकी लोकेशन, कि वो कहाँ पर है। इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के मुताबिक वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसी को हम बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एक तो टाइम के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उसी को हम बोलेंगे मोशन। उसके बाद है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट हुआ जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मेजर करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने अपनी मोशन अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब मैं मोशन में आया, तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो वहाँ होगा जहाँ से मैं फाइनल पोजीशन पे आया। तो मेरा जो इनिशियल पोजीशन होगी वो रेफरेंस पॉइंट होगी मेरी, वो क्या होगी? रेफरेंस पॉइंट। और जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी जब बॉडी होगी या ऑब्जेक्ट होगा वो जो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो वो क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर देन द मोशन इज सेड टू बी इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बोलता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन में स्ट्रेट लाइन। अब इसकी एग्जांपल हो गई मोशन ऑफ लिफ्ट। जो लिफ्ट है उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो उसके ऑब्जर्वर हो गए, है ना। तो जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है? लिफ्ट एक ऑब्जेक्ट हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो एग्जाम्पल किसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। एक और टर्न बढ़नी पड़ती है जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर होता क्या है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। बाय मैग्नीट्यूड इससे हम ये समझते हैं नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट नंबर एंड डायरेक्शन इज दिशा, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। तो वैसी क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन वाले क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं उसको मूव करवाऊंगा, है ना। मतलब जो फोर्स है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, यहाँ से आ रही है। तो फोर्स में क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी और नेचुरली सी बात है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब 1 न्यूटन ना। तो 1 क्या हो गया? 1 इज मैग्नीट्यूड ना। 2 न्यूटन, जितने न्यूटन की फोर्स में लगाऊंगा तो हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद है स्केलर। स्केलर इट इज ए क्वान्टिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर वो वाली क्वांटिटी हुई जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है लेकिन हमें उसमें डायरेक्शन नहीं देखने को मिलती है, मतलब हमें सिर्फ नंबर देखने को मिलेगा बट
नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है ना, जैसे अभी ठंड है तो मैं बोलूँगा 5 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिली है ना, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, नंबर. दिस नंबर इज मैग्नीट्यूड. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, और सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें आएंगी, और वेक्टर में भी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी. इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन होता है. डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ होता है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है और वो हम मेजर कैसे करेंगे, उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर है और उसकी इनिशियल पोजीशन पहले कहाँ पर थी. वहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस, कितना पाथ ट्रेवल किया, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर्स में करते हैं, मीटर्स में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, तो वो डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद है डिस्प्लेसमेंट. इट इज ए शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बोलता है. ये जो है एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी इनिशियल पोजिशन से लेकर फाइनल पोजिशन तक. तो जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है हम उसको किस तरह से एक फिगर में शो करवाएंगे. तो देखिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो ए पर था और उसने क्या किया, वो बी पर जा पहुंचा, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो मान लो अगर उसने इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, यहाँ से हो गया इस तरह से यहाँ पहुंचा, तो ये जो यहाँ से वो इस तरह यहाँ पहुंचा, ये उसका डिस्टेंस आएगा. वो कहेगा डिस्टेंस आएगा ना, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो होता है डिस्टेंस. लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी का, वो क्या होगा, वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्ट्रेट लाइन बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो ए से बी तक यहाँ आएगा. एक स्ट्रेट पाथ है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है ना, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका, दिस इज डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ चीज़ें देखते हैं. इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बोलता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल और फाइनल पोजिशन जो है वो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे जीरो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, उसने यहाँ से ट्रेवल किया, ऐसे गई और फिर वापस से अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई. ठीक है, अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई, तो यहाँ तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल तो किया बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो. क्यों, क्योंकि इनिशियल और जो उसकी फाइनल पोजीशन है बॉडी की वो क्या होगी, सेम होगी. इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. ठीक है, तो याद रखना, इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है ना. तो बॉडी ने यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया और वो अपनी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पर ही आ गई. जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो उसकी इनिशियल पोजीशन पर ही है, मतलब वो सेम जगह वापस पहुंची, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया. उसके बाद लिखा है डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट, बोलता है जो डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. बिल्कुल ठीक है, अभी हमने देखा जो डिस्टेंस है वो पाथ पर ट्रेवल करता है, डिपेंड करता है ना कि उसने कौन सा पाथ चूज किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो गई है ना, यहाँ तो कुछ पाथ ही नहीं इसने ट्रेवल किया, पाथ ही नहीं बना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है. तो बोल रहा है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना. हमने तो देख लिया कि डिस्टेंस ग्रेटर देन कब होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन कब होगा डिस्प्लेसमेंट से है ना. जब उसने एक्चुअल पाथ पूरा ट्रेवल कर दिया था तो वो
जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा आ रहा था और जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कम आ रही थी, है ना। तो बाय डेफिनेशन ये भी हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ज्यादा भी ट्रेवल कर सकता है तो ग्रेटर आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट छोटा आएगा। और यहाँ पर बोलता है कि इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, कब? दे आर इक्वल ऑनली इन स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग यू टर्न, है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करेगा लेकिन वो यू टर्न नहीं लेगा, मतलब वो वापस नहीं आएगा, तो उस समय पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हम डायग्राम से समझें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल कब होगा, तो हमने अभी देखा कि अगर एक बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है तो ए से कहाँ पहुँच गई, बी से हो गई, ये इसकी इनिशियल पोजिशन आ गई या इसकी फाइनल पोजिशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ए टू बी हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअल पाथ ट्रेवल है ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट भी इसको कहेंगे क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पर यही आएगा, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं और बड़े भी, और डिस्टेंस जो है वो बड़ा भी हो सकता है। ये वो है स्पीड। स्पीड होता क्या है, स्पीड हिंदी में बोले तो होता है रफ्तार। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड हम बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक यूनिट टाइम में उसको हम स्पीड बोलेंगे। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है ना, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो कहा जाएगा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपको तब फार्मूले का यूज करना है और स्पीड निकालनी है, तो जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उससे हमारे पास स्पीड निकलेगी।